ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, जैसा आपने देखा मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो आपके सामने बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो कि एड से शो होंगी। मैक्सिमम टाइम में ऐसी साइट्स फेक रहती हैं, जैसा कि मान लीजिए मैं इस साइट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस साइट का नाम है सिक्वल सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड। गाइस ये कैसे फेक है, मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को प्रूफ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस नाम्स दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस आप यहां पे देख पाएंगे कि ये साइट है जो कि बोल रही है कि हम 22 साल पुराने हैं और इसके बारे में इतना डिटेल में रहेगा, जो इंसान पहली बार आएगा उसे लगेगा हाँ ये हो सकता है सही हो, प्रूफ हो। तो गाइस यहां पे आप देख पाएंगे स्टेट वाइज में कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ फील्ड भी हैं, वैकेंसीज काफी कम दिखा रहा है ताकि लोग जल्दीबाजी में आके इसे भर दें। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट डेट देखेंगे, ये 9 तारीख है, मैं इसे कई दिनों से इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ गाइस, देख रहा हूँ। तो अगर आप 9 को आज 9 तारीख है, अगर आज आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको लास्ट डेट आज का दिखाएगा, कल करेंगे कल का दिखाएगा, मतलब ये करेंट डेट को ही लास्ट डेट यहाँ पे दिखाता है। तो गाइस ये सही है गलत इसे जानने के लिए क्या करें, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे यूआरएल बॉक्स पे जाके और इसे कॉपी कर लेना है। एंड देन गाइस एक साइट है WHO.IS, आप यहां पे देख पा रहे होंगे WHO.IS, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पहली साइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस। तो आप यहां पे जैसे ये सर्च करेंगे तो आप ये देख पाएंगे इस साइट का नाम आएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस साइट का नाम है। इसके अलावा वेरियस आप और रिकॉर्ड्स अपने मुताबिक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कब रजिस्टर हुआ है, मतलब 20 को ही 16 जनवरी को रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि हम 20 साल पुराने हैं, 22 साल पुराने हैं, बिल्कुल गलत है। उसके अलावा गाइस आप देखिएगा इंडिया के बारे में है, इंडिया में जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कंपनी कोई है नहीं है, असल बात असल में तो ये फेक ही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये प्रॉक्सी साइट यूज कर रहे हैं, डोमेन बाय प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी साइट हम तब यूज करते हैं जब हमें अपना आईपी एड्रेस वगैरह छुपाना होता है। और यहाँ पे इन्होंने जो डिटेल्स दी है तो आप ये देख पाएंगे ये अमेरिका का दिया गया पूरा नंबर वगैरह जो भी है, तो इस तरह से फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा इनका मेन मोटिव रहता है आपसे रुपए कमाना, आपके जेब से रुपए निकालना। तो गाइस आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ यहाँ पे प्लान्स लिए रहेंगे और ये आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या फिर किसी भी हिडन चार्ज में आपसे ये रुपए मांगते रहेंगे बार बार। यहीं पे गाइस मैंने एक और साइट ली है thelallantop.com, जो कि एक लिजिबल साइट है, जो कि एक जेन्युइन है न्यूज चैनल न्यूज रिपोर्ट की ये साइट है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पाएंगे इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की 2015 में है, हमें पता है 2015 से साइट इनकी चल रही है और ये कब कब अपडेट हुई है और कैसा क्या एक्सपायर वगैरह यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इनकी जो लोकेलिटी है उसके बारे में जान सकते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनका पता क्या है, कंट्री कोड क्या है और इनका फोन नंबर आप देख पाएंगे, अगर आप इनपे कॉल करेंगे तो जेन्युइन है, ये इनका फेक रहता है। आप यहाँ पे अगर इसके बारे में क्रॉस चेक करेंगे गाइस तो आपको फेक मिलेगा और ये जेन्युइन है गाइस। आईपी एड्रेस में क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस रहता है जो कि आपके कंप्यूटर को आपके डिवाइस को इंटरनेट पे लोकेट कराता है, असल में वो चेंज कर देता है, वर्चुअल कर देता है। तो गाइस अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिसमें एड आए उससे काफी बच के रहिएगा, क्योंकि इनका मकसद ही रहता है आपसे रुपए ऐंठना, आपको फ्रॉड करना।